अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं फ़िश ग्रेवी, यानी मच्छी का सालन हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या डलता है मैं आप लोग को बताऊंगी। मेरी मॉम बना रहे हैं एंड मैं वीडियो निकाल रही हूँ, तो आप लोग को मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या डलता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है और उसे किस तरह से बनाया जाता है। आइए, हमने लिया है टमाटो, ये देखिए हमने टमाटर लिया है, हमने लिया है कांदा, ये ज़ीरा है और खोपरा, ये जो हमारी जो मिर्ची है ये जो रेड रेड दिख रही है एक्चुअली ग्रीन थी, ये हम सूख चुकी है तो ये रेड हो गई, तो हमने सोचा इसको वेस्ट नहीं करते, हम मच्छी के इसमें डाल देते। तो ये हमने लिया है रेड चिल्ली, सॉरी हरी मिर्ची, ये है कड़ी पत्ता, ये लहसुन है, ये कोतमीर है। आइए देखते हैं इसका मसाला कैसे रेडी होता है। ये देखिए ये हमारी फ़िश है, जो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है आज की डिश की, वो मम्मी देखिए यहाँ साफ़ कर रहे हैं, मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से। जब तक मम्मी इसे क्लीनिंग करते हैं मैं इसका मसाला, इसकी ग्रेवी रेडी कर देती हूँ। आइए देखते हैं ग्रेवी हम लोग किस तरह रेडी करते हैं। आइए, ये देखिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटो, ये हमने कोतमीर डाला है, ये लहसुन, यानी ये लहसुन भी डाला है हमने, कड़ी पत्ता भी हम पीस रहे हैं, हमने ऑनियन भी पीसने के लिए ले लिया है, कांदा हम ज़ीरा भी पीसने में ले लिए है देखिए, और ये हमने खोपरा, और ये हमने लारी मिर्च वगैरह सब, ये सब भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर पीसेंगे इसे। ये देखिए हमारा, हमने मिक्सर ग्राइंडर लगा दिया है, अब हम इसे चालू करेंगे। ये देखिए हमारा जो ये है ग्राइंडर में मसाला किस तरह से पीसा जा रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पीसा जा रहा है। ये देखिए हमें इसे एकदम बारीक करना है, मतलब ज़रा भी इसके अंदर वो जो रहता है ना टमाटर और उसका एग्जैक्टली ज़्यादा करके जो ये खोपरे के जो पीसेस रहते हैं ना वो मुँह में ना आए, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से बारीक पीसना है, एकदम बारीक पीसना है। मैं आप लोग को पीस के बताऊंगी बारीक कितना बारीक है। ये देखिए हमें इसे इतना बारीक पीसना है, ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर आपको खोपरे के पीसेस नहीं दिखे, ये खाने में नहीं आएंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से पीसा गया है क्योंकि ये न्यू ग्राइंडर है, हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया, ये न्यू है, कल ही हम लोग ने मंगवाया है, इसे परचेस किया है कल ही, हमारा जो ईद में ख़राब हुआ था मिक्सर उसके बाद हमने कल ही लेके आए, और आज इसीलिए हम लोगों ने मच्छी बनाने का सोचा और आज हम लोग मच्छी बना के खाने वाले हैं। वो मिक्सर हमारा अच्छा है, वो मिक्सर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, वो रिपेयर हो सकता है, बट यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से सारी शॉप्स बंद है, इसीलिए हम लोग ने न्यू ले लिया है, और आप लोगों को मैं बताती हूँ वो न्यू वाला दिखता कैसा। ये देखिए कितना क्यूट है, इसमें स्टैंड नहीं है इसीलिए हमें इसे उस कपड़े के नीचे, यानी हमने इसे थोड़ा गद्दे के ऊपर रख के पीसा है क्योंकि इसके नीचे स्टैंड नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सम्राट का है, बहुत ही अच्छा यूज़फुल है, बहुत ही नॉइज़ है बट बहुत अच्छा है। तो मसाला जल्दी से पिसा गया है और अच्छा बारीक पिसा गया है। ये देखिए मेरी मम्मी की मच्छी भी साफ़ हो चुकी है मम्मी की, और थोड़ी बहुत बाकी मम्मी वो भी साफ़ कर रहे हैं, हमारा जैसे कि मसाला भी रेडी हो गया, मम्मी की मच्छी साफ हो गई, अब हम इसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं फिश ग्रेवी। देखिए हमने इसमें ऑयल लिया है, ये देखिए ये जो हमारा मसाला रेडी हुआ है ये हम इसके अंदर डालेंगे। पहले हमें ऑयल में ये मेथी दाना डालना है, उसके बाद हमें इसके अंदर कड़ी पत्ता डालना है, उसके बाद हमें इसके अंदर ये मसाला डालना है। देखिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ऑयल में। हमने लिया है लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर, हल्दी, और ये हमने धनिया लिया है, हम ये तीनों चीज़ इसके अंदर डाल देंगे। हमें इसे अच्छी तरह से भुनने छोड़ देना है, हमें इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे भुनने छोड़ देना है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अपने हिसाब से पानी डालिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे ऑनियन लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं ऊपर से,
इसके अंदर जोश आ चुका है। अब हम इसके अंदर फिश हमारी डाल देंगे। ये देखिए इसे पकने देंगे अच्छी तरह से फिश डालने के बाद। फिर हम इसे डिश आउट करके हमारा ग्रेवी रेडी हो जाएगी। हमें इसके अंदर कोतमीर भी डालना है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है, गार्निश भी कर लिया है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत दिख रही है हमारी फिश ग्रेवी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दिख रही है। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू मतलब बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह। आप लोग भी ये बनाइए अपने अपने घरों में और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग के घरों में बनाया तो आपके घर वालों ने क्या कमेंट्स दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है सॉरी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। वी वांट मोर सब्सक्राइबर, मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।